गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि GSTR 9 और GSTR 9C की ड्यू डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी GSTR 9 और 9C की एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे GSTR 9 और 9C की डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के टाइम पे 99% प्रोफेशनल्स एंड जो टैक्स पेयर्स हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि GSTR 9 और 9C की जो डेट है 31 अगस्त 2019 वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन CBIC की तरफ से निकल के नहीं आया है, लेकिन काफी सारे इंस्टेंसेस है जिसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसकी वजह से ये प्रतीत होता है कि GSTR 9 और 9C को अगर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है और उसमें गलतियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो क्या है वो सारे इंस्टेंसेस, वो एक बार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो है टेक्निकल डिफिकल्टीज एंड टेक्निकल ग्लिचेस से रिलेटेड। इन मेनी इंस्टेंसेस द जेसॉन फाइल रिक्वायर्ड फॉर द ऑफलाइन प्रिपरेशन ऑफ GSTR 9 इज टेकिंग मोर देन 1 आवर फॉर जनरेशन, दो साइट स्टेट्स दैट इट वुड बी टेकन ओनली 20 मिनट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप GSTR 9 को अगर जनरेट करते हैं अपने ऑफलाइन मोड में और उसका जेसॉन जनरेट करके उसे अपलोड करते हैं तो उसको मिनिमम 1 घंटा लगता है GSTR 9 को ऑनलाइन अपलोड होने में, जिसका जेसॉन फाइल जनरेट करने में भी काफी ज्यादा परेशानी जो है वो होती है। अगर आप GSTR 9 ही जनरेट करते हैं ऑफलाइन और अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद जेसॉन फाइल क्रिएट करने में वहां भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना जो है करना पड़ता है, जिसकी वजह से कल की डेट में GSTN ने एडवाइजरी भी इशू करी है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कैसे इस्तेमाल करना है अपने ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में शेयर किया गया है, आप उसको देख सकते हैं और उसके अंदर ये समझ पाएंगे कि GSTR 9C का जो हम लोगों को जेसॉन जनरेट करना है ऑफलाइन मोड में उसका सही प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से GSTR 9 और 9C को फाइल करने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। दूसरा पॉइंट है द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इन GSTR 3B हैज टू बी प्रोवाइडेड इन सब कैटेगरी सच एज इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है GSTR 9 का जो हमारा टेबल 6A है उसके अंदर GSTR 3B में जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है उसका ऑटो पॉपुलेशन होता है। उसके बाद जो ब्रेकअप मांगा गया है टेबल नंबर 6B, 6C, 6D वगैरह में, उसके अंदर टोटल ITC का ब्रेकअप जो है उसमें मांगा गया है और ब्रेकअप के अंदर इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विस का फर्दर ब्रेकअप मांगा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिंपली GSTR 3B में इनवॉइसेस के बेसिस पे क्रेडिट क्लेम कर लिया है और उन्होंने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा है कि ये जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कैपिटल गुड्स के ऊपर मिलता है या इनपुट सर्विसेज के ऊपर मिल रहा है या इनपुट गुड्स के ऊपर मिल रहा है। तो काफी लोगों को इस चीज को लेकर के परेशानी आ रही है कि कैटेगराइजेशन अगर किया जाए तो कैसे उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करें, कैसे उसको हम लोग सही तरीके से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अगर वहां पे कैटेगराइजेशन में कुछ गलती होती है तो वहां पे काफी ज्यादा बड़े रिपरकेशंस जो है वो आ सकते हैं। तो इसके अंदर ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि टेबल 6 में जो बाइफर्केशन मांगा गया है इसकी वजह से भी उसमें काफी ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है उसको बाइफर्केट करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेबल 8A से रिलेटेड। इन टेबल 8A द ऑटो पॉपुलेटेड ITC इज कमिंग अप टू 30th April 2019 बट ऑनलाइन GSTR 2A इज अपडेटेड टिल टू डेट दस मेकिंग इट वेरी टफ टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका टेबल नंबर 8 है जहां पर कॉलम नंबर ए के अंदर GSTR 2A का डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो वाला अमाउंट आपके ऑनलाइन 2A जो पोर्टल पे GSTR 2A रिफ्लेक्ट करता है वो दोनों आपस में रिकंसाइल्ड नहीं है, वो दोनों आपस में मैच नहीं करते। इसके कई सारे कारण है, इसमें एक रीजन ये है कि आपका जो 9 का 2A वाला पोर्शन है जो टेबल 8A में आता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल 2019 तक का डेटा ही शो होगा। 30 अप्रैल 2019 तक का डेटा का मतलब ये हुआ कि अगर आपके सप्लायर ने आपके इनवॉइसेस को
30 अप्रैल 2019 तक अपलोड कर दिया है तब तो वहां पर शो होगा, नहीं तो वहां पे शो नहीं होगा। लेकिन जो आपका ऑनलाइन 2A है, क्योंकि जब आप अपनी परचेज रिकनसाइल कर रहे होंगे तो आपको ऑनलाइन 2A डाउनलोड करना है और उसके अंदर अप टू डेट आज तक की जितने भी इनवॉइसेस 17-18 से रिलेटेड अपडेटेड है वो सारे के सारे मिल जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, सपोज कोई इनवॉइस 30 अप्रैल 2019 के बाद अपलोड किया गया तो आपने जब ऑनलाइन 2A से अपने परचेज रजिस्टर को मिलान किया तो वहां तो आपका फिगर्स मैच हो गया क्योंकि वहां पे अप टू डेट डेटा आ रहा है। लेकिन जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने लग रहे हैं तो फाइल करते टाइम आपको ये परेशानी आती है कि टेबल नंबर 8A में जो फिगर है वो कम है जबकि आपका परचेज रजिस्टर रिकनसाइल्ड है। तो हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है ऑनलाइन 2A के अंदर कि हम लोग 30 अप्रैल तक का ही डेटा डाउनलोड करके उसको रिकनसाइल करवा पाए ताकि हमारा GSTR 9 का टेबल 8A जो है वो भी मैच हो सके। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इस डिफरेंसेस को खत्म करें। तो इसके ऊपर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अभी हमारे पास कोई भी इसका जवाब नहीं है। इसके लिए आप अपना रिकनसिलेशन बना करके रखिए कि ऑनलाइन GSTR 2A में क्या डेटा रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, आपके एनुअल रिटर्न में क्या 2A में आ रहा है और आपके पास जो इनवॉइसेस है उसके बेसिस में जो आपने क्लेम किया है अगर वो लेजिटिमेट क्लेम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का जो कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए ITC क्लेम कर लीजिए, डिपार्टमेंट जब नोटिस भेजेगा उसको जवाब दिया जाएगा। चौथा जो पॉइंट निकल के आता है वो HSN वाइज समरी से रिलेटेड है। इसमें भी काफी ज्यादा लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, काफी ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं। The HSN wise summary required in GSTR 9 is creating a lot of confusion in filing the annual returns. जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा एनुअल रिटर्न है और उसका जो HSN wise summary का टेबल है टेबल 16 और टेबल 17 उसके अंदर जो डेटा मांगा गया है वो HSN वाइज एंड रेट वाइज डेटा मांगा गया है। अभी तक जो हमारे पास डेटा मांगा जाता था सिर्फ सेल्स का मांगा जाता था, वहां पर आपको HSN और रेट वाइज डेटा मांगा गया है। लेकिन वहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो टैक्स अमाउंट आप लिखते हैं वो आपके टैक्सेबल अमाउंट का जो रेट है उसके मल्टीप्लीकेशन में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अगर वहां पे कुछ मिस्टेक हो जाती है वहां पर भी एरर जो है वो आ जाती है और वहां पर HSN वाइज समरी प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। सिमिलरली अगर आप परचेज का HSN वाइज समरी देखेंगे तो आपको वहां पे कुछ कैलकुलेशंस करना होता है कि टोटल परचेज का 10% जो अमाउंट बनता है उससे ऊपर जो भी HSN वाइज डेटा है वो आपको फिल करना है, अदरवाइज आपको HSN वाइज डेटा फिल नहीं करना पड़ता। लेकिन परचेज के केस में मैक्सिमम लोगों के पास HSN वाइज डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने अभी तक GSTR 2 जो है वो भरी ही नहीं है जिसमें हम लोगों को परचेज का HSN एंट्री करना पड़ता था। तो यहां पर भी काफी लोगों को परेशानी आ रही है कि HSN वाइज समरी को भरने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लग रही है और उसमें काफी ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। अगला जो पॉइंट निकल के आता है, द हेवी रेन्स एंड द फ्लड्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैड मेड इट टफ टू कंप्लाई विद द फाइलिंग ऑफ GSTR 9 एंड 9C। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है भारत के इंडिया के काफी सारे स्टेट्स के अंदर हेवी से हेवी रेन्स हो रहे हैं और फ्लड्स का जो चांसेस है उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। लोग अपने घरों में से लोगों के घरों में ऑफिस में पानी घुस जा रहा है जिसकी वजह से वो GSTR 9 और 9C क्या फाइल करेंगे, वो अपने ऑफिस को संभालने में ही लगे हुए हैं। जिसकी वजह से अगर आप देखें तो GSTR 3 भी जो जुलाई 19 की डेट है उसके अंदर 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिसकी डेट को एक्सटेंड करके 20 सितंबर तक किया गया है। तो इस वजह से भी उन स्टेट्स का तो ड्यू डेट एक्सटेंशन मेरे हिसाब से तो 100% कंफर्म है कि उनके लिए तो डेट एक्सटेंशन मिलनी ही मिलनी है। बाकी लोगों का पता नहीं क्या होगा, मेरे हिसाब से उनको भी डेट एक्सटेंशन कुछ तो मिलनी चाहिए ताकि कुछ रिलैक्सेशन के साथ कुछ आदमी रिलैक्स होकर के भी काम कर पाए, नहीं तो इतने प्रेशर के अंदर तो आदमी गलत ही करने वाला है सारा का सारा GSTR 9 और 9C। अगला जो पॉइंट निकल के आता है, द नंबर ऑफ फाइलिंग्स टिल डेट इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। जी हां फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट ने एक डेटा शेयर किया था जिसके अंदर यह बताया गया था कि कितने रजिस्टर्ड पर्सन हैं और कितने रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर कितना फाइलिंग हुआ है, जो कि बहुत ही कम डेटा था, लेस देन 20% फाइलिंग्स जो है वो हो पाई थी। अब यहां पर सवाल यह है कि अगर लेस देन 20% फाइलिंग्स हो पाई है तो क्या 80% फाइलिंग आज से 10 या 12 दिन के अंदर फाइलिंग करना संभव है? मेरे हिसाब से तो यह संभव नहीं लगता है और यहां पर डेट एक्सटेंशन मिलना बेहद जरूरी है। अगर नहीं मिला तो यहां पर गलतियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि जितनी जल्दी हो सकती है आप अपनी एनुअल रिटर्न की तैयारी कर लीजिए और ऑडिट जो भी आपका है एनुअल रिटर्न और रिकंसिलेशन उसको जल्द से जल्द
फाइल कर दीजिए ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको एक्सटेंशन दिया जाता है तो जो भी आपका पेंडिंग रह जाएगा आप उस एक्सटेंशन पीरियड में भर लीजिएगा, लेकिन जितना हो सकता है अभी आप 31 से पहले भरने का प्रयास जरूर कीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी, और मेरा व्यू पॉइंट ये है कि एक्सटेंशन होना चाहिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको GSTR 9 भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं और अपनी GSTR 9 की क्वेरीज जो है वहां पर सॉल्व करवा सकते हैं। मेंबरशिप की इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड मटेरियल्स परचेज करना है या इनकम टैक्स रिलेटेड मटेरियल्स परचेज करना है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।